हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम गॉस के नियम की सहायता से किस प्रकार कूलॉम के नियम का सत्यापन किया जाता है ये जानेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमको एक चार्ज लेना है क्यू कूलॉम का। देखिए बिल्कुल प्लस क्यू कूलॉम का एक चार्ज है बिंदु के फॉर्म में, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी लेते हैं और इसी से एक क्या करते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस की रचना कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस पी पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, कितना डी ए एरिया, जो इस गॉसियन सरफेस का अल्पांश एरिया होता है डी ए, जो इस सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डायरेक्शन में काम करेगा डी ए वैक्टर। और इसी तरीके से ई वैक्टर होगा जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर काम करता है ई वैक्टर, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, जीरो डिग्री होगा। अब ये तो कंफर्म हो गया इनके बीच का एंगल कितना है, जीरो डिग्री है। तो हम गॉस के नियम को यूज करते समय ये भी हम जाने थे कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इतने से एरिया के लिए भी यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। और उस वैद्युत फ्लक्स का क्या करते हैं, टोटल सरफेस के लिए फिर वैद्युत फ्लक्स जानते हैं और फिर से गॉस के नियम को अप्लाई करके अपने रिजल्ट तक पहुंचते हैं। ये तो बात हो गई एक रफली कि किस तरीके से वर्क करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस निगमन को करने के लिए हमने जो बातें कहा है कि क्यू कूलॉम का आवेश लेकर के उसे स्मॉल आर त्रिज्या का गोली गॉस इंपल्स ले लेते हैं, ये तो सारा काम हो जाता है। क्या करते हैं, डी फाई ई, डी फाई ई क्या है, इस अल्पांश एरिया से जितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा उसको हमने सपोज कर लिया कितना, डी फाई ई। और ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर हो जाता है, डॉट वेक्टर यानी इस डॉट को हटाते हैं तो ई डीए कॉस जीरो आएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है, जीरो डिग्री है। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो ई डीए ओवरऑल निकल के आ जाता है। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डीए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम बना लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, डी फाई ई का ही बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे यानी समाकलन कर देंगे। समाकलन करते समय जो डी फाई ई स्मॉलेस्ट पोर्शन के लिए था अब पूरे सरफेस के लिए हो जाएगा, और जब पूरे सरफेस के लिए होता है तो ये क्या हो जाएगा, केवल और केवल फाई ई। इंटीग्रेशन सिंबल का देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, सीधा बन गया, बट कोई बात नहीं। ये इंटीग्रेशन सिंबल, ये भी इंटीग्रेशन सिंबल, लेकिन ये बीच में रिंग बना देने का मतलब क्या होता है, ये सरफेस इंटीग्रेशन यानी क्लोज इंटीग्रेशन है क्लोज फिगर के लिए। तो फाई इज इक्वल टू, ये देखिए कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन सिंबल से पहले आ जाएगा, बाहर आ गया। अब ये इंटीग्रेशन सिंबल किसके साथ जाके ऑपरेट हो जाता है, डीए के साथ, डीए हो गया। हम ये जानते हैं ये क्या है, एक स्फेयर है, गोला है, उस गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है भाई, 4πr² अगर रेडियस कितनी हो, आर हो, तो सरफेस इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने किया डी ए का, तो टोटल कितना निकल के आता है, 4πr², और 4πr² की वैल्यू को इतने के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, रख देते हैं। और इसी के साथ साथ इक्वेशन नंबर सेकंड अपना बन के तैयार हो जाता है। अब हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से या गॉस के नियम से क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। देख लीजिए यहाँ भी फाई ई है और यहाँ भी फाई ई है, यानी एल एच एस सेम है तो आर एच एस क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और यहाँ से इक्वल कर देने के बाद से इज इक्वल टू निकाला मैंने कि इज इक्वल टू 1/4πε₀ इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता है, इक्वेशन नंबर फोर्थ यहाँ पे आके रेडी हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब यहीं से हम चलेंगे कूलॉम के नियम की तरफ। कूलॉम के नियम में क्या था, फोर्स ना कैलकुलेट किया गया है, तो फोर्स के लिए क्या करते हैं हम, इस पी पॉइंट पे क्या करते हैं, एक धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो लाकर रखते हैं। देखिए यहाँ पर बिंदु पी पर धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा जाता है, और रख लेने के बाद से इनके बीच में फोर्स तो काम करेगा, ठीक है, लेकिन क्या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, होगी जरूर होगी। E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और एफ इज इक्वल टू लिखते हैं तो E इंटू क्यू जीरो लिखना पड़ेगा। अब हम इस ऐसा कर लेने के बाद से इसी को इक्वेशन नंबर फाइव बनाएंगे। इक्वेशन फोर और फिफ्थ को देखें अगर, तो दोनों का एलएचएस में कहीं नहीं, एलएचएस में तो नहीं, लेकिन ये ई की वैल्यू यहाँ यूज हो सकती है, तो ई की वैल्यू को यहाँ यूज करेंगे अब हम, चलिए यूज कर लेते हैं। अच्छा जो ही यूज करते हैं तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देखिए, 1/4πε₀ है ही, क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ है, बट उसी के साथ यानी इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, केवल और केवल क्यू जीरो, यानी एफ इज इक्वल टू 1/4πε₀ या एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू
क्यों 0/r² किसकी तरह है, ये दिख रहा है f इज इक्वल टू 1/4π0 q1 q2 r² के फॉर्म का है, यानी कूलाम के नियम का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले तक तो हम पहुंच गए किसकी सहायता से, गॉस के नियम के सहायता से। यानी इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि हम गॉस के नियम की सहायता से क्या कर सकते हैं, कूलाम के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये अन आने वाले भी जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल इसी तरीके से हैं, उनको भी हम लोग इसी तरीके से कन्फर्म करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको बेहद तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस थैंक यू।